Hello friends, now we are going to unbox Samsung M30s smartphone. Let's get started. This is the main gadget or smartphone, M30s Samsung branding, pearl white color. Smartphone power adapter, charger, and you could also find inside box a C-type charging cable, data cable, same ejector tray pin, and inside user manual and warranty card also. Quick start guide, regional lock guide, warranty card. तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्मार्टफोन, इसे हम ऑन कर लेते हैं आपके सामने ही। ये हमने ऑन किया है, जब तक ये ऑन हो रहा होता है तब तक हम आपको इसके कुछ खास फीचर आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इसकी रिलीज डेट है वो है 18 सितंबर 2019। फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन की जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है बैटरी कैपेसिटी 6000 mAh की, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेसर है वो सैमसंग का जाइनोस 9611 है। इसमें जो रियर कैमरा है वो तीन कैमरे आपको मिलते हैं, एक 48 मेगापिक्सल का, एक 5 मेगापिक्सल का और तीसरा 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए जो है वो 16 मेगापिक्सल के लिए है, 16 मेगापिक्सल दिया हुआ है। डिस्प्ले इसका 6.40 इंच है और पिक्सल्स आपको मिलते हैं 1080x2340 पिक्सल्स। स्टोरेज ये जो है आपको जिस स्मार्टफोन का हम रिव्यू दे रहे हैं ये 64 GB इंटरनल है। रैम इसमें आपको जो मिलती है ये 4 GB रैम है, बट ये 4 GB रैम के रैम इट्स कॉल्ड LPDDR4X रैम। और OS आपको इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 9 मिलता है, पाई, इट्स कॉल्ड पाई एंड्रॉयड 9। आइए इसको हम नज़दीक से देखते हैं, इसका डिस्प्ले, इट्स लुक ऑसम। इसका जो डिस्प्ले है ऑसम है, लुक गजब का लुक है फ्रेंड्स, ऑसम। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्क्रीन है वो माइंड ब्लोइंग है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 3D है। और बिल्कुल एक एक आइकन, एक एक कलर्स जो इस पर जो उभर के आ रहे हैं, जितने रिच दिख रहे हैं, मतलब तबीयत खुश हो गई देख करके, तो मज़ा आ गया। सैमसंग ने जो ये जो स्क्रीन दी है दोस्तों, जो ख़ास चीज़ है इसके अंदर, इसका जो प्रोसेसर है वो 2.3 GHz का है, 8 कोर का। और हम आपको इसमें दिखाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, बैटरी 6000 mAh, इसमें जो सैमसंग का जो यूज़र इंटरफेस है वो है इसको बोलते हैं सैमसंग का 1 UI कोर, 1.5 वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है, पाई। ये पी डिनोट ही कर रहा है इसका पाई के लिए, कि ये जो एंड्रॉयड 9 वर्जन है पाई। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे फ्रेंड्स, ये इसकी पावर बटन है, राइट हैंड साइड वॉल्यूम रॉकर है, राइट हैंड साइड वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, सी टाइप पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट दिया है, स्पीकर है, 3.5 mm जैक है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए है, और लेफ्ट साइड आपको मिलता है सिम इजेक्टर ट्रे। पिन फ्रेंड्स, इसमें जो आपको पिन मिली हुई है इससे आप ट्रे इजेक्ट करने के लिए, सिम ट्रे इजेक्ट पिन है, ये सिम ट्रे इजेक्ट कर लेंगे। ये है सेंटर वाला सिम 2 आपका जो है सबसे राइट वाला है, और दिस वन इज़ फॉर माइक्रो SD कार्ड।
फ्रेंड्स, इसमें जो आप ये देख रहे हैं कैमरा जो है ये 4K सपोर्ट करता है, 4K वीडियो। रियर वीडियो साइज आप देखिए, इसका रेजोल्यूशन 3840x2160 पिक्सल्स, अल्ट्रा HD। बैक साइड में अगर आएँ तो आपको 3 कैमरे विथ फ्लैश, 48 मेगापिक्सल्स के कैमरे हैं। 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा है फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड सपोर्ट करता है, और जो तीसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर के लिए, फिंगरप्रिंट सेंसर है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है। और फ्रेंड्स, जो मज़े की बात है, इसकी बैटरी जो है वो 6000 mAh की होने के बाद भी इतना लाइट वेट है ये सेट, 188 ग्राम्स का है जो एज़ पर के जो स्पेसिफिकेशन में है कि 188 ग्राम्स है। और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, सेंसर है, कंपास है, मैग्नोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर है। इसमें जो ग्राफिक्स की स्पेसिफिकेशन जो सैमसंग ने इसमें दी हुई है वो इसमें माली का G72 GPU इसमें यूज़ किया हुआ है जो कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस को और इंक्रीज़ करता है। 7 दिन यूज़ करने के बाद मैं इसका अगर आपको रिव्यू दूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका जो सुपर अमोल्ड जो डिस्प्ले है, इसका जो स्क्रीन है वो माइंड ब्लोइंग है, फ्लॉलेस है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन इसमें एक खास चीज़ ये है कि इसको आपको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 है, ना ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है, जिसकी वजह से ना ही ये स्क्रैच रेसिस्टेंट है, और ये आपको बचाना पड़ेगा गिरने से भी। अगर ये गिरता है तो ज़रूर आपको नुकसान होगा इसके स्क्रीन का। और कॉर्टेक्स का जो इसमें A73 प्रोसेसर और कॉर्टेक्स का A53 प्रोसेसर, ये ओवर हीटिंग से बचाता है। मेन फीचर ये है, ये आपको इस फ़ोन में ओवर हीट की प्रॉब्लम या इशू आ ही नहीं सकता इस प्रोसेसर की वजह से, ये बेस्ट फीचर है। जो ब्राइटनेस आ रही है आपके इस मोबाइल स्क्रीन से, आपके आइस पे जो आ रही है, जो ब्राइटनेस आ रही है, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको मिल रही है वो 420 निट्स है। ये बहुत ही इस मोबाइल को अट्रैक्टिव बनाती है, जैसा कि आप देखिए। उतना फास्ट रिस्पांस नहीं कर रहा जितना और मोबाइल में मैंने देखा है। इसमें कभी कभी ये होता है, ये आपको इन्फॉर्म करता है कि जब तक आप पूरा फिंगर आप पूरा ऐसे नहीं रखेंगे तब तक अनलॉक नहीं करेगा, और मोबाइल में आपने हल्का सा भी रखा कि कुछ भी पोर्शन तो अनलॉक कर देता है। इसमें एक ये है कि अब तक आप पूरा प्रॉपर नहीं रखेंगे और थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अनलॉक करने में। आप देखिए, ये देखिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग इसका है, जो कि और फास्ट होना चाहिए। हाँ, अब दूसरी बात ये करें फ्रेंड्स कि इसकी जो 6000 mAh की बैटरी है, अगर आप इसकी 6000 mAh की बैटरी पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये डिसअपॉइंट करेगा कि हमने इस मोबाइल को 6 दिनों तक यूज़ करके इसको जो ऑब्ज़र्व किया है कि ये जस्ट लाइक मुझे फील हुआ ऐसा कि मैं 3750 mAh की कोई बैटरी या 3800 mAh की बैटरी, लेस देन 4000 mAh की कोई बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस मोबाइल के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगा। और जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि पबजी खेलते हैं इस मोबाइल पे M30S पे, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, वो इवन वो हायर ग्राफिक्स मोड पे स्टार्ट भी होता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे बताया था कि वो 20 मिनट्स में इसकी बैटरी 4% ड्रेन होती है, सही कहा था, क्योंकि मेरा हाफ एन आवर पबजी खेलने के बाद इसकी बैटरी जो ड्रेन हुई थी वो 6% ड्रेन हुई थी, और विदाउट लैगिंग बढ़िया परफॉर्मेंस थी गेमिंग की पबजी की।
तो गेम लवर के लिए एक अच्छा सेगमेंट का मोबाइल है। बाकी बैटरी के लिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि 6000 mAh की बैटरी है तो आपको इसमें 2 दिन का 3 दिन का बैकअप मिलेगा, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। आप इसको अगर बहुत यूज़ करते हैं तो आपको नॉर्मल मोबाइल जैसे सुबह आप चार्ज करते हैं और शाम को आपको फिर से प्लग इन करना पड़ेगा चार्जिंग के लिए, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है इस मोबाइल का। बटन पे अगर आप लॉन्ग पुश करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो ये बटन यहाँ से एक इसका क्लोन जो है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और आप इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जहाँ पे आपको इजी लगे वहाँ पे इसको आप बटन को एडजस्ट कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है तो आपको सिंपल सा जो है यहाँ पे इस जगह पे आपको नहीं जाना है, ये आपको जो आपने जो जहाँ पे आपको सेट किया है इस बटन को आपने, ये मूवेबल है, आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं और सिंपल पुश कीजिए और फोटो क्लिक। तो फ्रेंड्स ये रहे इस मोबाइल के रिव्यू और स्पेसिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स आपको हमारा सैमसंग M30S का स्पेसिफिकेशन और रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।